अरे भाई, क्या है ये इम्प्यूटर? क्या है ये ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा सेट्स? और ये एनकोडर क्या है? क्या है ये सब? इफ दीज आर द क्वेश्चंस दैट हॉन्ट यू एज वेल, डोंट वरी, टुडे आई विल बी सॉल्विंग देम फॉर यू. हेलो नमस्ते, माय नेम इज अंजलि पांचाल. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ IITM BS जस्ट लाइक यू. If you are seeing my face for the very first time, consider subscribing because I make videos that help to make your journey to BS degree easy and enjoyable. So in today's video, we'll be talking about MLP project. MLP project is one of the projects along with BDM projects in Diploma in Data Science. Talking about the BDM project, I've made a full-fledged video on the same. You can click the I button and check out the video there. So let me start by giving you a little introduction about MLP project. MLP project is a 2-credit course which is conducted on Kaggle platform. The goal of the project is to use the models learned during the MLP theory course on real-world datasets to find patterns, make predictions and solve real-world problems. So let's start from the scratch. हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं MLP project की guideline document पे. और guideline document खोलने के बाद let's have a look at the rules. क्योंकि रूल्स तो सबसे पहले देखने चाहिए. ये 8 रूल्स हैं, आप वीडियो पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं. इनकी बस थोड़ी समरी यही है कि आपको प्लेजरिज्म से बचना है, आपको जो आपकी नोटबुक है वो आपको पब्लिक नहीं करनी है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. आपको कोई भी एक्सेलरेटर्स यूज नहीं करने हैं आपकी नोटबुक में, और कोई एक्सटर्नल डेटा यूज नहीं करना है आपकी ट्रेनिंग के लिए. एंड सब इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करेंगे, दिस इज नॉट अ ग्रुप प्रोजेक्ट. और साथ ही साथ जिन बच्चों ने इस टर्म में एमएलपी के प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर किया है, सिर्फ वही अलाउड है इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए. सो इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जाना है आपके एमएलपी के प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड पे. जब आप वहां पे जाओगे, आपको दिखेगा असाइनमेंट. असाइनमेंट में आएगा सबमिट योर कैगल यूजर नेम. तो इसके लिए आपको सबसे पहले कैगल पे रजिस्टर करना होगा. हम लोग चलते हैं कि कैगल पे आपको रजिस्टर कैसे करना है. आपको इस लिंक पे जाना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको कैगल का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे जाना है. इसके बाद आपको आपकी स्टूडेंट आईडी से रजिस्टर कर देना है. और उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा. ये है इस बार का कॉम्पिटिशन, रेसिपी फॉर रेटिंग, यानी प्रिडिक्ट फूड रेटिंग्स यूजिंग ML. तो हमें फूड की रेटिंग्स प्रिडिक्ट करनी है बेसिकली. यहाँ पे आपको ज्वाइन कंपटीशन का लिंक मिल जाएगा अगर आपने इस टर्म में रजिस्टर किया है तो. देन आप जाएंगे सबमिट प्रिडिक्शन पे. एंड अगर आपने कोई पहले से नोटबुक बनाई हुई है तो आपको नोटबुक मिल जाएगी, यहाँ पे आप ब्राउज करके डाल सकते हैं. और अगर आपने नोटबुक नहीं बनाई है तो यहाँ पे आपको जाना है नोटबुक पे, एंड देन न्यू नोटबुक पे, जिससे आपका न्यू नोटबुक का लिंक खुल जाएगा. देन आपको आपकी नोटबुक का नेम रीनेम करना है सबसे पहले. तो उसके रूल्स के लिए आप फिर से जाओगे आपके डैशबोर्ड पे, एंड देन कैगल नोटबुक नेम, ये यहाँ पे जाके सेक्शन पे आपको यहाँ दिख जाएगा. तो इस फॉर्मेट में आपको आपका नाम डालना है नोटबुक का. जाएंगे आप इसे पेस्ट कर देंगे, आपका रोल नंबर लिखेंगे नोटबुक, और ये क्योंकि पिछले टर्म का है मेरा तो ये वही दिख रहा है आपको, यहाँ पे T1 और 2024 दिखेगा. यहाँ पे आपका जो भी रोल नंबर है, सपोज मैं अपना रोल नंबर लिख देती हूँ, ऐसे करके आपको सबमिट कर देना है. उसके बाद आपको यहाँ से शेयर पे जाना है, शेयर पे कोलैबोरेटर सर्च करने हैं. और ये कोलैबोरेटर कौन है, फिर से हम लोग डैशबोर्ड में जाएंगे और देखेंगे. को यहाँ पे मिलेगा एक कैगल का यूजर नेम, यहां से ये कॉपी करेंगे, एंड देन यहाँ पे जाके सर्च करेंगे. यहाँ पे आपको दिख जाएगा, उनके साथ आप शेयर करेंगे, सेव करेंगे, एंड देन अपनी नोटबुक में काम करना शुरू करेंगे. सो गाइज, बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर नोटबुक, एक बार आप अपना यूजर नेम और आपके कैगल नोटबुक का नेम यहाँ पे सबमिट कर दो. ये आपकी असाइनमेंट की तरह इसकी कुछ डेडलाइन होगी. उसके बाद आप प्रोजेक्ट गाइडलाइंस वाले डॉक्यूमेंट पे जाओ. रजिस्ट्रेशन स्टेटस में आपको यहाँ पे लिंक दिखेगा, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने एक स्प्रेडशीट ओपन होगी जहां पे आपका नाम, आपका रोल नंबर, ये सब आपको दिखेगा। आपको कंट्रोल एफ करके अपना रोल नंबर सर्च करना है। सपोज मैं अपना रोल नंबर सर्च कर रही हूँ, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा आपका टीम का नाम, जो कि आपको आपका रोल नंबर ही रखना है। एक्सपेक्टेड टीम नेम यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको क्या रखना है। इज द टीम नेम करेक्ट? अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं तो वो यस होगा। और आपको फिर उसके बाद नोटबुक का नाम जो है वो यहाँ पे देना है। एक्सपेक्टेड नोटबुक का नाम आपका ये होना चाहिए, आपका नोटबुक का नाम करेक्ट है या नहीं, और आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुई है या नहीं, वो आप यहाँ पे यस या नो पे देख सकते हैं। यहाँ पे यस होना चाहिए तभी आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होगी। हाँ जी, हम लोग एक बार ये भी देख लेते हैं कि आपको आपका टीम नेम आपके रोल नंबर में रीनेम कैसे करना है। तो आप अपने कैगल के होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद आपको कॉम्पिटिशन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको दिखेगा जो भी आपने कॉम्पिटिशन ज्वाइन किया हुआ, उस पर आप फिर से क्लिक करो। और ये पिछले टर्म का है, इस टर्म का मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वो कॉम्पिटिशन जो है वो प्राइवेट है इसी टर्म के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आपको टीम पे क्लिक करना है, एंड टीम नेम पे आपको आपका रोल नंबर डाल देना है, एंड सेव चेंजेस। बस ऐसे होगा आपका टीम नेम आपके रोल नंबर में रीनेम। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नोटबुक पे कि काम शुरू कैसे करना है। नोटबुक में आने के बाद आपको फर्स्ट सेल कुछ ऐसा दिखेगा। इस सेल में आपकी जितनी भी इम्पोर्टिंग का काम है वो होगा, जैसे कि आपको पांडाज इम्पोर्ट करने हैं, नंपाई इम्पोर्ट करनी है, ओएस इम्पोर्ट करना है, ये सब तो यहाँ पे पहले से इम्पोर्टेड है ऑलरेडी। इसके अलावा आपको मैट प्लॉट लिब करनी पड़ेगी या जो भी आप लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले हम लोग करेंगे डेटा सेट को लोड। लोड करने के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, ये एक जनरलाइज्ड कोड है। यहाँ पे आपको डालना है कि आपको डेटा सेट का नाम क्या रखना है, फिर pd.read.csv, और उसके बाद आपको लिंक दे देना है आपके डेटा सेट .csv फाइल का, और ये लिंक मिलेगा आपको इस एरो पे क्लिक करने के बाद। इनपुट में sample.csv है, test.csv है, train.csv है, तो यहाँ से आपका इनका लिंक कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऐसे आपको अपने तीनों डेटा सेट्स लोड कर देने हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे डेटा सेट्स को एग्जामिन। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स मैंने नीचे दिए हुए हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे डेटा सेट डॉट हेड है, डेटा सेट डॉट टेल है, डेटा सेट डॉट कॉलम्स है, डॉट शेप, डॉट इन्फो, डॉट एन यूनिक, इन सब का आपको बहुत ईजिली यूज़ और मीनिंग आपको गूगल पे मिल जाएगा आप ये करोगे तो, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आया विजुअलाइजेशन ऑफ न्यूमेरिक कॉलम्स। तो बेसिकली जो भी आपके न्यूमेरिक कॉलम्स हैं उनको आप विजुअलाइज करके देखेंगे कि वो दिख कैसे रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे। उसके लिए बेसिक कोड मैंने आपको ये दिया हुआ है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आया क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में आपको सबसे पहले करना है कि आपको ये देखना है कि कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ तो नहीं है। उसके लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, डॉट डुप्लीकेटेड डॉट वैल्यू काउंट्स। उसके बाद है डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग द आउटलायर्स यूजिंग बॉक्स प्लॉट। तो आप बॉक्स प्लॉट को यूज़ करके देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से आउटलायर्स हैं किस किस कॉलम में, ऐसे करके, और फिर उन्हें रिमूव कर सकते हैं ऐसे करके। उसके बाद आप लोग एक्सप्लोर करेंगे आपके कैटेगोरिकल कॉलम्स। उसके लिए हम लोग पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि हर एक कॉलम का वैल्यू काउंट क्या है। उसके लिए एक सिंपल बेसिक फोर लूप का कोड ये यूज़ कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे आ जाएंगे आपके कॉलम्स के नेम, जो भी कॉलम्स की आपको वैल्यू काउंट देखनी है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारे डेटा सेट में कोई नल वैल्यूज़ तो नहीं है। उसके लिए डॉट इज एनी डॉट सम करके हम लोग बहुत ईजिली चेक कर सकते हैं। इसके बाद आया आपका प्री प्रोसेसिंग। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्री प्रोसेसिंग के लिए पाइपलाइन यूज़ करें, और प्री प्रोसेसिंग के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला है हैंडलिंग द नल वैल्यूज़। इसके लिए आप इम्प्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिंपल इम्प्यूटर है, KNN इम्प्यूटर है, या बहुत सारे इम्प्यूटर्स आपको मिल जाएंगे। आप SKLearn के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन उसके बाद आया एनकोडिंग ऑफ द कैटेगोरिकल कॉलम्स। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एनकोडर्स, जैसे कि वन हॉट एनकोडर, ऑर्डिनल एनकोडर, लेबल एनकोडर, या कोई भी एनकोडर जो आपकी चॉइस का हो। उसके बाद आया हैंडलिंग एनी स्पेशल कॉलम्स। और अब ये स्पेशल कॉलम्स कौन से हैं,
वो है डेट और टाइम वाला कॉलम। मोस्टली तो यही होता है। इसका आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं टू अ यूजेबल फॉर्मेट। और इसके लिए आपको पांडास के बहुत सिंपल, बहुत एक या दो लाइन के बेसिक कोड्स मिल जाएंगे, वो आप या तो गूगल कर सकते हैं या आप GPT से पूछ सकते हैं। देन कम्स विजुअलाइजेशन। तो हमारा डेटा अब प्री प्रोसेस होके तैयार है, अब हम उसे विजुअलाइज करेंगे कि वो एक्चुअली दिख कैसा रहा है, उनकी आपस में क्या कोरिलेशन है जो कॉलम्स है हमारे। इसके लिए आप हीट मैप यूज कर सकते हैं, उसका बेसिक कोड ये है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। देन आप बार प्लॉट यूज कर सकते हैं, हमारे जो भी टारगेट कॉलम है उसके साथ हर एक कॉलम का रिलेशन देखने के लिए, उसका बेसिक कोड ये है, इसमें भी आप अगेन चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। देन अगर आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आपको वर्ड क्लाउड भी यूज में आएगा। तो वर्ड क्लाउड से होगा क्या, वर्ड क्लाउड से आप ये देख सकते हैं कि एक कॉलम में सबसे ज्यादा बार कौन सा वर्ड काउंट हो रहा है। इसके लिए एक बेसिक सा हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया है और ये है उसका एग्जाम्पल यूसेज। वर्ड क्लाउड के बारे में आई वुड सजेस्ट आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद उसे यूज करो। उसके बाद आया ड्रॉपिंग द अनवांटेड कॉलम्स। अब जो भी हमारे कॉलम्स ऐसे हैं जो हमारे टारगेट वेरिएबल से रिलेटेड नहीं है इतना ज्यादा, या जो हमें लग रहा है कि अनवांटेड कॉलम्स है, उन्हें हम ड्रॉप कर देंगे, उसका कोड कुछ ऐसा ऐसा होगा। आप इसमें फिर से वही अपने चेंजेस कर सकते हैं। देन कम्स स्केलिंग। स्केलिंग के लिए आप स्केलर्स यूज कर सकते हैं, जैसे मिन मैक्स स्केलर है, स्टैंडर्ड स्केलर है, मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर है, या जो भी हमने MLP के थ्योरी कोर्सेज में पढ़े वो देख सकते हैं। देन अगेन एसकेलर्न की डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ द डेटा सेट्स इंटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा। तो हमारे मॉडल फिटिंग के लिए हमारा बेसिक यही होता है कि हम लोग अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा में स्प्लिट करें। ये उसका कोड है, मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज किया है। आप रैंडम स्प्लिट भी यूज कर सकते हैं या जो भी स्प्लिटिंग के तरीके आपको दिखे एसकेलर्न पे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सबसे पहला सबमिशन होगा सबमिटिंग द डमी मॉडल। ये हमें सबसे पहला करना है। अगर आप माइलस्टोन में जाके देखेंगे तो सबसे पहला यही स्टेप है। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए आप लोग डमी रिग्रेसर यूज कर सकते हैं, एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए आप डमी क्लासिफायर यूज कर सकते हैं। वंस यू आर डन विद डमी सबमिशन, उसके बाद यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द एक्चुअल मॉडल्स। इसके लिए आपको सबसे पहले एक बेसलाइन मॉडल बिल्ड करना होगा। रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए यू कैन यूज लीनियर रिग्रेशन, एंड फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स यू कैन यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द बेसलाइन मॉडल, उसके बाद हम लोग और अपने जो डिफरेंट मॉडल्स हैं वो फिट करना शुरू कर देंगे उस पर। जो भी मॉडल्स हैं रिलेटेड टू रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम वो आपको अगेन एसकेलर्न की डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएंगे, या फिर हमने जो MLP में थ्योरी कोर्सेज में पढ़े हैं वो भी आप एक एक करके इन पे ट्राई करके देख सकते हैं। जब आप मॉडल फिटिंग कर रहे होंगे उसके साथ साथ आपको करनी है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का क्या फायदा है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, एंड विच इज द एंड गोल ऑब्वियसली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सबमिशन। सबमिशन के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं, ये पर्सनली मैंने अपने टाइम में यूज किया था और मेरी रिग्रेशन प्रॉब्लम थी। तो ये कोड लिखने के बाद हम सबमिट करेंगे, इस साइड एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा सबमिट बटन, इस पे आप क्लिक करोगे आपका पूरा जो कोड होगा वो रन होगा और वो फिर सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा आपका लेटेस्ट स्कोर और यहाँ पे दिखेगा बेस्ट स्कोर। लेटेस्ट स्कोर यानी जो भी आपका वर्जन जो आपने लास्ट रन किया है उसका स्कोर, एंड बेस्ट स्कोर मतलब जितने आपने वर्जन्स रन करे हैं उनका सबसे बेस्ट स्कोर। एक चीज आपको जो दिमाग में रखनी है वो है कि डेली के आपके पास सिर्फ 5 ही सबमिशन है, बट दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ 5 बार ही अपना कोड रन कर सकते हैं। नहीं, इंटरनली आप जितनी मर्जी बार अपना कोड रन करो, लेकिन जो फाइनल सबमिशन है वो आप एक दिन में 5 ही कर सकते हो। तो सबमिशंस के लिए एक टिप मेरी ये रहने वाली है कि डोंट वेट फॉर द डेडलाइन। आप अपने रोज जो 5 सबमिशंस हैं उनको यूटिलाइज करो
और रोज कुछ ना कुछ ट्राई करो जिससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा। तो जब हम सबमिशन की बात कर ही रहे हैं तो एक बार एमएलपी के गाइडलाइन डॉक्यूमेंट पे जाके देखते हैं कि और हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे गाइडलाइन डॉक्यूमेंट में आने के बाद आपको दिखेगा क्राइटेरिया टू पास द कोर्स। इसमें सबसे पहले आप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा स्कोर कट ऑफ, यानी आपका जो स्कोर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.77। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कम से कम 3 मॉडल सिलेक्ट करने हैं जो आपके बेस्ट मॉडल्स हैं। आप ट्राई जितने मर्जी मॉडल्स कर सकते हैं बट सिलेक्ट करो आप 3 बेस्ट जो सबसे ज्यादा आपकी एक्यूरेसी दे रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करने पे हमें मिलेंगे माइलस्टोन्स। तो माइलस्टोन का क्या फायदा है? माइलस्टोन का फायदा ये है कि अगर आप उन्हें उनकी डेडलाइन के साथ साथ क्लियर करते चलते हैं, यानी हर एक माइलस्टोन को हर एक डेडलाइन से पहले सबमिट कर देते हैं, तो आपको लास्ट में बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा सबमिशन के टाइम पे, यानी डेडलाइन के टाइम पे। माइलस्टोन्स के नीचे में दिखेगी लाइब्रेरीज अलाउड। ये आप ध्यान रखें कि आप सिर्फ यही लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई लाइब्रेरी जैसे टेंसर फ्लो है, पाई टॉर्च है, वर्ड टू वेक्टर है, ऐसी टेक्स्ट ब्लॉब है, ये सब यूज आप नहीं कर सकते हैं। देन कमिंग टू द वाइवा, तो वाइवा जो होगा हमारा उसके लिए आप सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे यहाँ पे लिंक पे आके। एंड वाइवा 1 के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी बिफोर द डेडलाइन। वाइवा 1 में होगा क्या? तो वाइवा 1 में आपको अपनी जो नोटबुक है वो आपको इन्विजिलेटर के सामने शो करनी है, उन्हें समझाना है कि आपने किया क्या है, फिर वो आपसे 2 या 3 क्वेश्चंस पूछेंगे एंड दैट्स इट, यू आर डन विद लेवल 1 वाइवा। लेवल 1 पास करने के लिए आपका आपके कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको ईडीए करना है, जो प्रिडिक्शंस हैं वो कम से कम 3 मॉडल्स के साथ होने चाहिए, और आपको लेवल 1 पास करने के लिए 75% मार्क्स लाने जरूरी हैं लेवल 1 में। अगर ऐसा हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने लेवल 1 वाइवा क्लियर कर लिया होगा और आप एलिजिबल होंगे लेवल 2 वाइवा के लिए। बट इन केस अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको फिर से लेवल 1 रिपीट करना होगा। तो लेवल 2 का वाइवा लेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, उनके सामने सेम आपको अपने हर एक स्टेप एक्सप्लेन करना है कि आपने कुछ किया है, जैसे आपने प्री प्रोसेसिंग के लिए इम्प्यूटिंग किया तो वो क्यों की है, वो कैसे किया, और जो आपने इम्प्यूटर यूज किया वही क्यों किया है। देन अगेन आपने कोई मॉडल सिलेक्ट किया तो वो क्यों किया है। पूरा समझाने के बाद एग्जामिनर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, और जो भी वो क्वेश्चन करेंगे दैट कैन बी रिलेटेड टू थ्योरी और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो जो थ्योरी रिलेटेड कोर्सेज रहते हैं उनके लिए एक कंसोलिडेटेड पीडीएफ है, उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब वो देख सकते हैं। वहां से आप अपना थ्योरी वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स उसके लिए तो फिर आपको रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली ये आपके 4 कंपोनेंट्स हैं जिसपे आपकी लेवल 2 की स्कोरिंग होगी। एंड विद दैट वी आर डन विद द वीडियो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एमएलपी प्रोजेक्ट। इफ यू वॉन्ट मी टू मेक एनी मोर वीडियोज रिलेटेड टू एनी टॉपिक, थ्योरी कोर्सेज और मे बी प्रोजेक्ट्स, यू कैन कमेंट डाउन द सब्जेक्ट एंड योर रिक्वेस्ट। प्लस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। And like the video, subscribe the channel, and thank you for watching.